जी मैं इस वक्त मौजूद हूं बहावलपुर सदर प्रेस क्लब में, जहां पे हमारे साथ सूबा बहाली की चेयरपर्सन शाजिया नौरीन साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं कि सूबा बहाली के हवाले से ये क्या कहेंगे। जी जज़ाकअल्लाह सर। पहली बात तो ये कि सूबा बहाली जो है अब अपने फाइनल स्टेजेस में जा चुकी है। आपने देखा होगा, मैं एक छोटे से इशू की बात कर देती हूँ कि चोलिस्तान रेडी हुई, हमारा हक था, हमारे लोगों का हक था, और मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर हमारे जो बहावलपुर के लोग हैं उनको कहाँ तक हक मिला। हमारा जितना रेवेन्यू है अगर ये लोग खा जाते हैं तो बहावलपुर की बहाली के लिए इनको जो है वो जो तकलीफ़ है इनकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमने सोचा है कि आवाम को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। नवाबों से हमें कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो भी इस कोशिश में हमारे साथ रहें। लेकिन अवाम अब कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी कमर बांध ली है इंशाल्लाह लजीज, और हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक मुनज़्ज़म एक प्लेटफॉर्म सेट कर लिया है इंशाल्लाह, और इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग मैदान में उतरेंगे इलेक्शंस में और जीत के दिखाएँगे इनको। जी मैडम का कहना था कि सूबा बहाली की जो तहरीक है वो अपने आखिरी मराइल में है। कैमरामैन टीम के साथ रॉय इमरान, न्यू दिन न्यूज़, भावलपुर।